जय भगवान जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जान, गुड मॉर्निंग जान, आई लव यू जान। इट्स रेनिंग, कम शो, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है, बारिश 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 पूरा कोरा कोरा हो गया, बारिश बारिश पहाड़ नहीं दिख रहा ना, वो अदर पहाड़ है ना, पूरा भर गया देखो, बारिश बारिश एकदम देखो, बारिश दिख रहा है। मौसम का हाल देखो, बेहाल हो चुका है, आज धनतेरस है और मौसम ये है, ठंड ये। चलो चलो चलो, वेलकम, चलो अंदर चलो बेबी, चलो। यस, इट्स अ बटरफ्लाई, डोंट टच नाउ, उतरो। पूरा बारिश हो रखी है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड मॉर्निंग से, और हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। ये देखो मौसम, देखो 3:45 हो रही है, ठीक है, और ठंड इतनी ज्यादा है कि जैकेट डालना ही पड़ा आज मुझे, और मैं जाने के लिए रेडी हूँ। हमें लाना जाना है सामान ना, और भगवान जी भी लेने जाना है, आज धनतेरस है तो सामान भी लेने जाना है, और पता देखिए यहाँ खा के लेते हुए कह रही हूँ चल लो चल लो चल लो, 3:45 हो गया है, बताओ हाँ। और बाकी होम डेकोर कैसा लगा कमेंट नहीं किए तो कमेंट करके बताओ। चलो उठो यार, ठंड बहुत है और 4 दिन तक बारिश होगी फॉरकास्ट हुआ है, ऐसा पतिदेव बोल रहे हैं। खाना पीना हो गया है, अब चलेंगे फटाफट शॉपिंग करेंगे क्योंकि आगे फिर पूजा भी करनी है ना। चलो ओको बेबी, आज तो एकदम ठंडा ट्रिप पर भी नहीं किया है, ठंडा भी है फिर भी नहीं किया बच्चा मेरा, आज तो नहीं करना, कोको का भी बनता था क्योंकि पूजा करेंगे ना तो नहीं करना जरूरी है, और मैंने हैंड वॉश किया भाई, और मेरी सिल्की सिल्की बाल देखो। चलो अब चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, रास्ते में थोड़ा बड़ा लिम दिखाते रहोगे और वेदर भी दिखाते हैं, रुको। मौसम एकदम 3:45 बजे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड है यार, बहुत ज्यादा, पूछो नहीं, चलो मिलते हैं। बारिश वेदर क्लाउड क्लाउड, 4 दिन तक बारिश हुई थी, पूरा बादल बादल बादल, कोहरा कोहरा बादल बादल, बहुत ठंडा है कोको, ठंडा है। यस मामा, म्यूजिक के चक्कर में अभी को छोड़ दे रही हूँ ताकि मैं शॉपिंग आराम से कर सकूँ, वो ऑफिस जाएगा 1 घंटे में आ जाएंगे, ऐसे मैं फटाफट शॉपिंग कर लूंगी, अदरवाइज बहुत लेट हो जाता है। शॉप जाना है, उसके बाद थोड़ा सा ज्वेलर के पास भी जाना है, फिर उसके बाद देखेंगे। सामान ले लिया है, शॉपिंग हो गई है, रात भी हो गई है भाई साहब, ये देखो इतना भीड़, इतना भीड़ की पूछो नहीं, और गोल्ड तो भाई साहब बहुत महंगा है, और बजट नहीं था अपना कुछ भी लेने का। चलो बताती हूँ वैसे लिया क्या है, कमर की बात लग गई शॉपिंग करके, लेकिन एक चीज अच्छा था, कोको साथ चला गया था ना पति देव की, तो काम अपना एटलीस्ट थोड़ा जल्दी हो गया, तो और भी लेट होता, और लेट इस वजह से हुआ क्योंकि इतना भीड़ था भाई साहब, इतना भीड़ था पूछो नहीं, और रात हो गई है, मैं तो उधर से लटक के देख रही ताकि उजाला जाए, और मैं थोड़ी सा ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ नहीं, अब जिसको मैं सुंदर नहीं लग रही उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हूँ है ना। चलो फिर अब घर पे मिलते हैं आप लोगों से, फिर दिखाती हूँ एक चीज, रुको देखो देखो वो देखो भाई को, पूरा पहाड़ ही सब छुप गया है, देख रहे हो, पूरा छुप गया है और पूरा ठंड ठंड रखा है, देखो 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 तुम पहाड़ से नीचे को धुआं निकल रहा है, सब कुछ कुछ ना कुछ सामान ले चल रहा है। चलो ये तो जलाते ही नहीं लाइट, यस बेबी मैं भी वो जलाता हूँ, नहीं तो ऊपर का भी हम ही, ये नहीं कम से कम जला दे, सुसु आ गई इनको, चलो कराए, ये झाड़ू ले आए, इसमें सामान है पूजा वाला, इसमें बाकी सामान, दिखाते हैं क्या क्या लिया मैंने, तो चलते हैं।
बात की दुख है, जैसा मुझे शंकर पार्वती जी जा रहे थे नहीं मिले, बट देन मैंने अभी के लिए हल ले लिया है शंकर बात आने के लिए, बाद में हम फिर से ले आएंगे। तो देखो ये गणेशा जी आ गए हमारे, चुन्नी लिया है, बर्तन में कुछ लेते हैं ना तो हमने ये ले लिया क्योंकि इसकी जरूरत थी इसलिए। अरे रंगोली दिख गया तो इसलिए ले लिया, इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखो ये वाला शंकर पार्वती जी मिला है, इसलिए मैंने बोला चलो कोई नहीं अभी, तो मूर्ति टाइप के नहीं थे तो दोबारा ले आऊंगी। और ये बत्ती, तो ये हो गया हमारा ये सामान, और इसमें हमारा है सारा ग्रॉसरी लाना ढिनकाना। अच्छा हाँ मैं कह रही थी ना मैं गोल्ड का आइटम तो नहीं ले पाई, तो गोल्ड कितना महंगा है यार, और हमारा बजट भी नहीं था हाल फिलहाल अभी कुछ लेने का, और छोटा नोज पिन जैसा या ऐसा कुछ छोटे छोटे इयररिंग्स थे नहीं अंदर, और बहुत लिमिटेड है ना ऑप्शन, तो इस वजह से मैंने क्या लिया। तो फिर मुझे चांदी का ही स्पून देख रही थी कोको के लिए, लेकिन हैवी नहीं था मतलब ऐसा भी नहीं था कि, तो इस वजह से हमने ये लिया छोटा सा जो अगेन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बट मैंने ये कोको के लिए लिया है। ये देखो छोटू से ना चांदी की रिंग है, ये कछुआ थोड़ा बड़ा रहेगा कोको के लिए, अगर पति देव पहनेंगे तो पति देव को पहना दूंगी, मैं नहीं पहनूंगी, या तो फिर ये कोको ही पहनेगा है ना, थोड़ा बड़ा है तो वो धागा लगा के कोको पहन में सी नहीं आएगा इसको, बड़ा हुआ बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये सबसे छोटी साइज थी। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है लेकिन नहीं आया अभी को, पहन के देखो बेटे, पहन के दिखाओ कैसे रिंग रिंग करता है, तो मैंने सोचा चलो यही लेती हूँ। ये इतनी महंगा देते हैं लेकिन जब उसको वापस से बेचने जाओ या उसको रीसेल वैल्यू तो एकदम हाफ से भी कम हो जाती है, 30%। हाँ बेबी कछुआ, सो इस वजह से मैंने बोला चलो अभी के लिए यही ले लेते हैं, हालांकि इसको आया नहीं, इससे बड़ा साइज रही थे, मैं सोची कि पति देव को पिलाऊंगी लेकिन मुझे श्योर नहीं था कि वो पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, बट इन वैसे चलो कोई नहीं देखते हैं कुछ ना कुछ उसका करते हैं। चलती हूँ वो रंगोली लगा देते हैं, पंडित को सेट करती हूँ और पूजा करना है ना तो उसकी तैयारी करती हूँ। गाइज मेरा पूजा की तैयारी पूरी हो गई है, एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड पति देव ऑफिस चले गए हैं और 7 बज गई है ना, तो हमारा पूजा करने का समय हो गया है, तो मैं सोच रही थी मैं और कोको मिलके पूजा कर लेंगे। एंड पहले दिखाती हूँ, फूल नहीं मिला यार इधर, बहुत दिक्कत है पूजा पाठ का सामान ना थोड़ा दिक्कत होती है, बट एंड ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने से सारी चीजें, सो भगवान है फूल चुप के भी मुझे सेट करना है ग्रोसरी सारा, बट देन आई थॉट कि पहले पूजा कर लेती हूँ, हर ऊपर दिखाती हूँ अपना मंदिर। और हाँ जैसा कि वो भैया बोल रहे थे ना कि शंकर पार्वती का मुझे मूर्ति मिल जाएगा, तो मैंने सोचा कि आज वैसे भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा होती है, तो सोच रही थी ना कि उनको आप भी नहीं बैठाऊंगी, आज खाली गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर देती हूँ। उसके बाद वो बोले थे कि 8 बजे तक मुझे वो मूर्ति मिल जाएगी, तो ये वाला हम कार में लगा देंगे और या तो फिर जैसा भी करेंगे, वो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम बाद में बैठा देंगे, लेकिन दिवाली वाले दिन बैठा देंगे और कल एक बार चेक कर लेंगे, अगर कल मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसी को लगा देंगे, अदरवाइज देखते हैं कभी किसी और भी मिला तब तक के लिए उसी से एडजस्ट करेंगे, बट आज सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी को ही मैंने बैठा दिया इसलिए, तो देख लो एक बार। ये देखो मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी और ये और ये स्टिकर मैंने यहाँ लगा दिया है, बेबी शूज निकाल दो बेटे मंदिर में शूज नहीं, ये मेरा पूजा है, तो ये मैंने स्टिकर यहाँ लगा दिया, हालांकि द्वार पे लगाते हैं बट देन अगेन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ वहाँ रंगोली में बनाऊंगी एंड यहाँ बार बार पैर ना पड़े इस वजह से मैंने इसको यहाँ लगाया। और ये हमारा टेम्पल रेडी हो गया है थाली, सो ये जो सामान हम ले आए थे कि बर्तन और ये रिंग गोल्ड नहीं खरीद पाए क्योंकि बजट अभी नहीं बैठ रहा था बिल्कुल भी, किसी और टाइम ले आएंगे। एंड ये रहा हमारा थाली जिसमें हमने रखा है एप्पल, फूल नहीं मिला इसलिए, और ये अखंड ज्योति भी जलेगी और ये ज्योति से हम आरती करेंगे, ये प्रसाद में लड्डू रखा हमने, रोरी रखा है और चंदन, और ये पानी चढ़ाने के बाद जो हम चंदमा को चढ़ाते हैं ना या बाहर पौधों में डाल देते हैं वो, सो चलो लेट्स डू पूजा, रिमूव योर शूज, लड्डू हाँ पहले पूजा के बहुत लड्डू मिलता है, लड्डू हाँ पहले पूजा करेंगे ना, जय गणेश जय गणेश, इज एक्साइटेड। सो अब ना फटाफट पूजा कर लेते हैं हम लोग, मुझे नहीं पता मैं शूट कैसे करूंगी बट देन कोशिश करती हूँ इधर लगा के स्टैंड लगा के ना करते हैं, ठीक है चलो पूजा कर लेते हैं। और मैं चुन्नी भी ले लेती हूँ, थोड़ा मैं दुपट्टा ले लिया है और थोड़ा सा हाथ वार धुल के पैर वार धुल के बैठ रही हूँ क्योंकि कपड़े नहीं चेंज कर रही तो इसका क्या मतलब है, सो वो है ट्राईपॉड ले आई हूँ लट्टे के पीछे, ये बट इतना अच्छा बच्चा है मैंने उसको बोला है कि नहीं बेटे मैं पूजा के बाद दूंगी तो वो छू नहीं रहा है, ही सीक परमिशन फॉर एवरीथिंग। चलो एनीवे चलो पूजा करते हैं फटाफट, यस
लेट्स डू पूजा, कम कम कम। ये हमारा थाल है ना बेबी, सो हम यहीं पे थोड़ा सा रखेंगे, एडजस्ट करेंगे, है ना। जय गणेश। कम कम कम, यहाँ से वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में मिलेगा, जस्ट बिकॉज वीडियो ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी थी एंड देन रिचुअल भी लंबे थे, इस वजह से मैंने सोचा उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रखती हूँ। बट विधि विधान से पूरा पूजा किया और बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई थी हमारी। गणेश जय गणेश। कैसे चलो हाथ पकड़ करो, मम्मा हाथ पकड़ो। माता चकी गुड बॉय। जय से जय जय। लोजा करने जाते भगवान जी को जगा दो, पापा जाग ही रहे हैं, बट भगवान से चलो जय करो। हाँ जोड़ो, हाँ जोड़ो, जय भगवान जी, जय गणेश जी, जय लक्ष्मी जी, जय जय। चलो जय जय। सो ये हमारी पूजा हो गई। ये भाई साहब हैं जिस चक्कर में खड़े रहे यहाँ पे, उनको मिलेंगे वो हमारा, जब तक दिया जलेगा उसको हमको छूना नहीं है। और ये दिया से हमने आरती किया है और हमारा पूजा संपन्न हो गया है। चंदा मामा दिख जाएंगे तो वो पति देव आएंगे ना, तो फोटो के साथ इसको डलवा दूंगा। पूजा डन और देखो कितना ही अचानक इतना ब्यूटीफुल ये एरिया लगने लगा ना, ब्यूटीफुल सा ये एरिया नहीं लग रहा, देखो कितना प्यारा, मतलब इतना पीसफुल लग रहा है। फ्लावर की कमी थी बट देन कोई बात नहीं, जो भी भूल चूक हुई होगी अब भगवान माफ करेंगे। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई। नो बेबी अभी तो चला है ना, थोड़ी देर बाद देंगे, नॉट नाउ। चलो पहले पूरी खा लो, पहले डिनर कर लो ना, ये लड्डू के चक्कर में ही है तो ही वॉन्ट लड्डू। गुड बॉय। तो चलो मैं वो सब सारी चीजें सेट कर दूँ, उसको डिनर करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। पति देव आएंगे तो उनसे दर्शन कराना, और रात को जब पति देव अंदर आ जाएंगे तो फिर एक दिया बाहर जलेगी गेट के बाहर, जब सब कोई घर के अंदर आ जाता है तब जलाते हैं वो, तो जब आ जाएंगे तब करेंगे। सो मैंने चेंज ही कर लिया क्योंकि ठंड लग रही है ना, और सिर्फ कुर्ते पे तो थोड़ा सा मुझे तो प्यारा लग रहा है यार। एनीवेज और ये मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मैंने उसको बोला कि नहीं बेटे वो डिनर कलर कलर कर लोगे ना तब दूंगी, वो चाहे तो कुछ से भी लेके खा सकता है, बट देन नो इट डजंट टच विदाउट परमिशन। एंड वो भूल गया है, भूल तो उसे याद है लेकिन बट देन इज लाइक नॉट सोर्सिंग की नहीं नॉट कराएंगे नहीं मुझे चाहिए अभी चाहिए, ऐसे करते हैं बच्चे, बट देन मेरा वाला स्पेशल है इसलिए। एनीवेज रुको दिखाती हूँ एक चीज जो मैं ले आई हूँ ना, नमक नमकीन और ये बनाऊंगी मैं खीर किसी दिन, ये सारी चीजें अगरबत्ती भी लाई हूँ। और ये मुझे बेकिंग के लिए मिल गया था तो मैंने उठा लिया, काकरा भी लिया है, ये गार्लिक मंचूरियन ये भी लिया है, कितने सारे हैं इनको सेट कर। चलो इसे सेट कर देते हैं। ये देखो ये मैंने लाइट भी लगा दी है, लाइट कैसे कैसे मैं जुगाड़ लगा लिया मैंने, वाह भाई इंजीनियर की बीवी हूँ, सिविल इंजीनियर की बीवी हूँ, MBA हूँ, इतना तो जुगाड़ कर सकती, जब इतना कर लिया तो ये भी कर ही सकती थी मैं, है ना। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, आई थिंक ऐसा वाला लाइट मैं कल और एक लेके आऊंगी एंड ताकि ना ये तो पूरा घर कवर कर लेगा, बट देन में प्लग का इशू, प्लग नहीं है हमारे पास, इधर का तो उधर का हो गया। चलो एनीवेज इतना बहुत है, लाइट है ना। ओह वाव इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ओह वाव लाइट ऑन करके देखो कैसा लग रहा है, ओपन कर दो, मैं ओपन कर दो। चाल चाल है बस साहब, और बताओ राजेश पास। ये सब काम किसका होना चाहिए वैसे जो हम ये किए हैं, किसका होना चाहिए ये सब काम? तुम लेडी हो, तुम लेडी हो, ये लेडीज का काम है। इसका
तारीफ तो कम से कम करो। क्या हूँ दिया अभी बुझ गया है, दो घंटे दिया जली खत्म। दीदी वहाँ है, हाथ जोड़े हैं, उस समय मैं किसी से फोन पर बात कर रही थी तो इस वजह से शूट नहीं कर पाई, बट हाथ जोड़ लिया पति देव। मैंने यार कोकोनट इन कर लिया है, पर्दा सही कर दूँ, मैं कर्टन सही कर, कोई खड़ा पड़ता मुझे पसंद नहीं आता। और अभी पति देव जा रहे हैं खाना खाने, चल ली डिनर करने, एक बार पहले कर्टन सही कर दिया है, ठंड निकली है तो भाई थोड़ा सा भी हवा अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये सुसु करना था तो स्कूटर से जाते हैं, एक बार सुसु आएंगे तो इनको स्कूटर से जाना है भाई साहब को, नवाबी तो इनकी है। चलो अभी आप नवाबी तो देखो स्कूटर से जाके सुसु करेंगे, इनके लड़के, इनके लड़के है। और अभी पति देव जा रहे खाना खाने के लिए, और उसके बाद आप कहता हाँ आप कोको को लड्डू दे देते हो ना, बेचारा कब से मांग रहा था। उसको उठा, उसको पहले उठा के रखो, टेडी रखो, फ्लावर उठा कर रखो, फिर लड्डू देंगे। पिछले ढाई घंटे से वेट करा बेचारा लड्डू का, इतना अच्छा बच्चा है, परमिशन लिए नहीं तो कब ना ले, उठाओ रखो। उसने पैसे भी निकाले थे ना, उठा उठा दिया था ना, रख दिया तुमने वापस। अच्छा नहीं रख दिया, अच्छा बच्चा है, चलो ले लो वन लड्डू। अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा है, ठीक है ले लो वन लड्डू, वेरी गुड, जय की भगवान जी को जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। दिखा दो लड्डू, दिखा दो, जय कर लो पहले लड्डू, जय करो जी, खा लो यम्मी यम्मी लड्डू, लड्डू भी टेस्ट करा लो। हाँ बहुत मीठा बहुत स्वाद नहीं, बहुत मीठा मीठा मीठा। बाहर डालना, दोनों लोग हाथ लगा के चढ़ा दो। चंदा मामा दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो रुको रुको रुको, पकड़ा दे दो। हाँ ले लो बेटा, थैंक यू, हाँ कर लो कर लो। चंदा मामा दिख रहे हैं अली बस, चलो बेटे डरे जा रहे, चलो पूजा संपन्न हुआ। गाइस इट्स टाइम टू स्लीप, हैप्पी धनतेरस वन मोर टाइम। हेलो बाबू, सो अभी मैं वीडियो को समाप्त करूंगी और फिर उसके बाद मुंह हाथ धुलूंगी, मेकअप रिमूव करूंगी, तो सोशल मीडिया पर पहले बंद करो यार, करवा चौथ पर न्यूज सुन रहे हैं, पहले बताओ इतना कुछ किए हैं इसका धन्यवाद कौन देगा। हैप्पी धनतेरस तो बोल दो परी अंकित को, हैप्पी धनतेरस, और इसका एप्रिसिएशन कौन देगा हमको। पूजा भी मैंने किया जबकि पूजा पाठ वाली मैं हूं ही नहीं, फिर भी मैं पूजा पाठ की पूरा अच्छे से, इतने अच्छे से मैंने पूजा किया। चलो फिर आप लोगों को मेरा पूजा घर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, मेरा डेकोरेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, मेरे पतिदेव कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना, पूरा पूरा भी कमेंट करोगे तो भी चलेगा, अच्छा अच्छा कमेंट करोगे, शक्ल देख लो देख लो, इसलिए लोग खड़ूस बोलते हैं ना, मेरा इसमें कुछ नहीं है, लोगों को पता चल जाता है कितने खड़ूस हूं। आज के लिए फिर इतना ही, फिल डन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड क्या हुआ नहीं कमेंट, क्या आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। चलो गाइस मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे मेरे पतिदेव ने नहीं दिलाया, सैड, इट्स ओके, कॉम्पेंसेशन हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि दिवाली के बाद है मेरा जन्मदिन 19 नवंबर को है मम्मा का।
चलो गाइस जन्मदिन की एक्साइटमेंट अभी नहीं दिखाएंगे, आप लोगों को बर्थडे वाले दिन ही मिलेंगे और फिर बताएंगे कि बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला। मतलब क्या बर्थडे है? बर्थडे मतलब त्योहार। मेरा बर्थडे जब आता था ना, मेरे घर में लोगों को पता होता था कि बर्थडे मतलब क्या हुआ। मेरे बाप से पूछ लेना, ठीक है? जब से शादी है मेरी, आज तक एक बर्थडे ढंग का नहीं मनाया, ठीक है? नहीं तो मेरे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो या ना हो, बच्ची हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं बुढ़ी तो नहीं हूँ तुम्हारी जगह। और क्यों ना मैं मनाऊं अपने बर्थडे यार, मुझे खुशी है मेरे जन्म की, इनको नहीं है तो मैं क्या करूं? तो इस बार तो मुझे बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए, क्योंकि आज तक मतलब ये मेरा फिफ्थ बर्थडे है तुम्हारे साथ और आज तक बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिला है, आज तक रिकॉर्ड तोड़ बता रही हूँ। पिछले साल भी जयपुर ट्रिप मैंने ऑर्गेनाइज किया था और मैं सरप्राइज दे रही हूँ अपने बर्थडे पे, सरप्राइज मैं खुद को दे रही थी। और इस बार देखो फिर, और पिछली बार तो मैंने केक भी नहीं काटा था, बाय द वे गाइस हम जयपुर जाके केक तक नहीं, इन्होंने केक तक नहीं लाया था अरेंज किया था। और शिल्पा तुम देख रही हो वीडियो, बोलना तो शिल्पा जो मेरी BFF है वो भी आई थी और उसने मेरे लिए गिफ्ट लाया था। वो कुछ और है तुम्हारी वो मेरी कुछ और ही बोलते, मेरी जान है वो। चलो गाइस लंबा ऑलरेडी वीडियो हो गया है, आप लोगों से अब मिलूंगी मैं जल्दी ही और बहुत ही गिफ्ट तो मैं ले ही रहूंगी, है ना? ओके बाय गाइस, टेक केयर, बाय करो।